लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के देवदरिया पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे मनरेगा योजना के तहत कुआं का निर्माण हो रहा है। और इस कुआं का निर्माण में खुलेआम नियम को ताक में रखकर वन विभाग के पत्थर से कुआं का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि यह काम किनके संरक्षण में हो रहा है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। निष्पक्ष जाँच के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तालाब में कुआं का निर्माण कराया जा रहा है। धड़ल्ले से मनरेगा योजना के कुआं निर्माण के कार्य में हो रही है गड़बड़ियां के साथ दलालों का कहर जारी। देवदरिया पंचायत के अंतर्गत कई गांव में मनरेगा योजना के द्वारा खोद रही कुआं का निर्माण में बड़े मोटी राशि घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। मनरेगा योजना के प्राकलन से हटकर और बिना योजना का बोर्ड लगाए हुए कुआं का निर्माण धड़ल्ले से कराया जा रहा है। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के देवदरिया गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा योजना के लाभुक पूनम हेमरोम के कुआं के निर्माण में कार्य के नियम को ताक में रखकर खुलेआम तरीके से वन विभाग का अवैध पत्थर से कुआं का निर्माण कराया जा रहा है, जो आप साफ आईने की तरह जाकर देख सकते हैं। हालांकि देवदरिया पंचायत में खोदी जा रही कुआं के निर्माण में अधिकांश वन विभाग का अवैध पत्थर स्थानीय जंगल से खनन एवं पत्थर चुनकर कुआं निर्माण का कार्य में उपयोग किया जा रहा है। जब इस संदर्भ में बीपीओ सुदर्शन लकड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुआं निर्माण के स्थल में जाकर इसकी जांच की जाएगी। इधर वन विभाग की मौन धारण और पहाड़ी एवं दुर्गम इलाके होने का फायदा उठा रहे हैं। वहीं मनरेगा योजना के कार्य में नियमों का पालन नहीं करके वन विभाग का अवैध पत्थर से कुआं का निर्माण जोरों पर किया जा रहा है। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की देखे खास रिपोर्ट। देवदरिया पंचायत में जो कुआं का काम चल रहा है वो किनके नाम पे कुआं है? पूनम हेमरोम के नाम से। कुआं में वन विभाग का पत्थर से काम हो रहा है, कौन बोला है वन विभाग का पत्थर से काम करने के लिए? ऐसे तो किसी ने बोला है, कोई ने बोला है ना। तो फिर पत्थर से काम हो रहा है तो पत्थर तो चाहिए, तो पूरा पंचायत में पत्थर वन विभाग का ही लग रहा है। वन विभाग से पत्थर चाहिए, पता चला कि अभी जो लीज है जो क्रेशर का वो लीज भी नहीं है। ऐसे में तो कुआं कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब मजदूर का मतलब किसी लाभों का कुआं बनेगा ही नहीं। अब जैसे आपने अभी कहा ये तालाब में बन रहा है, ये तालाब में नहीं है। आपने इसके पहले स्थिति को आपने देखा नहीं, आप देख लीजिए आर कहाँ पे है। ये तो आपका आर जो है ना, ये आर को टच जरूर किया है लेकिन तालाब पे तो है नहीं। इसके पहले की स्थिति का वीडियो आप देख लीजिए, जो सर्कल जो बनाया हुआ है। नहीं, वन विभाग के पत्थर से कुआं बनाने के लिए कौन बोला? ये तो पूरे पंचायत में हर लाभुक है ना, ये आपका वन विभाग का पत्थर ही यूज कर रहा है। और अभी तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिला हुआ है ब्लॉक से कि हम लोग क्या करें। वो लोग बोला कि पत्थर अपना लगा लो। के फॉरेस्ट का पत्थर नहीं है, लोकल पत्थर है, रैती का ही है। और जहाँ जहाँ हर टोला में किया गया है, जो जगह अपना ही जगह के अंतर्गत में जो जिंदा पत्थर है उसको लगा दिया है 3 से 4 फीट, जो कि पानी का स्रोत आने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ मीटिंग में ही पूछा गया, बताया गया, उसमें हम लोग उस आधार से किए। बाकी बात ईटा लगेगा। यहाँ जो भी दूसरा पंचायत में जो टुकड़ा ईटा का बात यहाँ सामने लाया है वो सर्वो सर्वा गलत है। और वो लाभू गिराया है कि गेटस देने के लिए। आपके पंचायत में जो कुआं का काम हो रहा है उसमें बिना योजना का बोर्ड लगाए हुए ही काम हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो अभी तक तो बोर्ड कुआं का बोर्ड नहीं लगा है और जैसा पहले होता था उस आधार से हो रहा है। और हमारा तो उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र के चलते वे बोर्ड आज तक तो हमने नहीं देखे हैं और इसलिए हम उस बोर्ड का जिक्र मैं नहीं किया हूँ। ये कुआं में जो वन विभाग का पत्थर से काम हो रहा है तो नियम का गलत ना है? नहीं, हमको किसी प्रकार का जानकारी नहीं है कि फॉरेस्ट का पत्थर लगा रहे हैं लोग। और जो भी है लगाया है तो
लोकल जमीन से ही ला करके लगाया, अपना जमीन से ही। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है कामिल तोपनो देवदरिया मुखिया। खबर 365 लोहर न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो, मैं सदाम खान। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।